ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज इस वक्त अपने रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। पहले 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा अंदाज में अपने नाम किए। पहला मैच 7 विकेट से जीता, दूसरा मैच 68 रन से जीता और इन दोनों मैच को देखने के बाद लग रहा था कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को क्या हो गया है, इंग्लिश टीम कहीं खेलना तो नहीं भूल गई। जॉश बटलर के बिना इंग्लैंड टीम का कोई वर्चस्व भी नहीं है, लेकिन इंग्लैंड ने पलटवार किया और दिखा दिया कि अभी भी वो जिंदा हैं, 2019 के वर्ल्ड चैंपियन है। भाई आप उनके हल्के में नहीं ले सकते। इंग्लैंड ने ज़बरदस्त वापसी की, तीसरा वनडे जीता और अब चौथा वनडे भी 186 के बड़े मार्जिन से जीतकर सीरीज को रोमांचक बना दिया है। 5 मैचों की सीरीज फिलहाल 2-2 की बराबरी पर खड़ी हुई है। आखिरी और निर्णायक मुकाबला 29 सितंबर को ब्रिस्टल के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। लेकिन अगर चौथे मैच की बात करें तो एक बार फिर से हैरी ब्रूक का जलवा देखने को मिला, जिन्होंने इंग्लैंड की जीत में एक बड़ा रोल प्ले किया। क्या कुछ चौथे मैच में हुआ आपको स्कोर कार्ड के जरिए दिखाते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही चौथा मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बारिश के चलते मुकाबला 50 ओवर का नहीं बल्कि 39-39 ओवर का खेला गया। बारिश के चलते इस मैच में काफ़ी बाधा भी देखने को मिली, काफ़ी लेट ही मुकाबला शुरू हुआ और 39 ओवर का खेला गया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करने के फैसले का पूरा फायदा उठाया और 39 ओवर में केवल 5 विकेट के नुकसान पर एक बड़ा लक्ष्य बोर्ड पर लगा दिया। टीम ने 312 रनों का स्कोर बोर्ड पर लगाया। टीम की ओर से कप्तान हैरी ब्रूक का बल्ला एक बार फिर से चला, जिन्होंने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए केवल 58 गेंदों पर 87 रनों की नायाब पारी खेली, 11 चौके, 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 150 के करीब का। अगर बात करें बेन डकेट की, उनका बल्ला भी शानदार फॉर्म में नजर आया। 62 गेंदों में उन्होंने 63 रन का योगदान दिया, जबकि लियाम लिविंगस्टन ने आंधी मचा दी। 27 गेंदों में नाबाद 62 रनों की पारी खेली, केवल 3 चौके और 7 छक्के, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 230 का था। वहीं अगर बात करें फिल सॉल्ट की, एक बार फिर से स्टार्ट दिया लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, 27 बॉलों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जैम्पा ने 66 रन देकर 2 विकेट लिए, क्लेड मैक्सवेल को 1 विकेट मिला, 30 रन दिए और जोश हेजलवुड ने भी 40 रन देकर 1 विकेट अपने खाते में डाला। हालांकि मिचेल स्टार्क काफी महंगे साबित हुए, उन्होंने ऑलमोस्ट नो की इकॉनमी से 8 ओवर में 70 रन खर्च कर दिए और एक भी सफलता उनको नहीं मिली। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने 313 रनों का विशाल टारगेट था, ओवर थे 39 और टीम को उम्मीद थी ट्रेविस हेड से। कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों ने 8.4 ओवर में 68 रन जोड़ दिए। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी तीतर बितर नजर आई। ट्रेविस हेड की बात करें तो वो इस टीम के टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 23 गेंदों में 34 रनों का योगदान दिया, 4 चौके, 2 छक्के, इस सैक रेट एक बार फिर से उनका 148 का रहा। मिचेल मार्श ने कप्तानी पारी स्टार्ट जरूर उनको मिला, लेकिन उसको कप्तानी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, 34 बॉलों में 28 बनाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक भी बल्लेबाज विकेट पर टिकने का साहस नहीं दिखा सकता। पूर्व कप्तान स्टीवन स्मिथ 5 रन बनाकर आउट हो गए। विकेटकीपर जॉश इंग्लिश, जिनकी प्लेइंग 11 में वापसी हुई थी, उनके बल्ले से केवल 8 रन निकले। मानस लाबुशेन 4 रन, एलेक्स केरी 13 रन, ग्लेन मैक्सवेल 2 और सीन एबर्ट 10 रन बनाकर चलते बने। इंग्लैंड की ओर से मैथ्यू पॉट ने 38 रन देकर 4 विकेट झटके। ब्रेंडन कार से, जो कि शानदार फॉर्म में नजर आए, उन्होंने 36 रन देकर 3 शिकार किए। जोफ्रा आर्चर ने 33 रन देकर 2 विकेट लिए, इनमें उनका फेवरेट विकेट मिचेल मार्श का था, जो इन्होंने खुद बयान में भी कहा, और एक विकेट आदिल रशीद के खाते में आया। तूफानी बल्लेबाजी करने वाले कप्तान हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इससे पहले जो सीरीज का तीसरा मुकाबला था, वो भी इंग्लैंड ने 46 रनों से डीएलएस मेथड से अपने नाम किया था, जहां पर हैरी ब्रूक के बल्ले से शतकीय पारी देखने को मिली थी। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा परेशान नजर आ रही है, हैरान भी है, क्योंकि उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ये पहला ऐसा मौका जब टीम ने लगातार 2 मुकाबले गंवाए हैं। तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोका था, जहां पर ये टीम लगातार 14 वनडे जीत चुकी थी, कोई मैच हारने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन हैरी ब्रूक ने उनकी लगाम कसी और देख लीजिए इंग्लैंड की टीम शानदार पलटवार कर चुकी है। अब का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 29 सितंबर को ब्रिस्टल के मैदान पर खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट में मैंने मैच प्रेडिक्शन की थी और वहां पर मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिच रिपोर्ट ध्यान से देखी हो तो मैंने कहा था कि इंग्लैंड चौथा मैच जीतने जा रहा है, मेरी बात मान के चलिए, और वैसा ही देखने को मिला। अब मुझे लगता है कि सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पलटवार करेगा और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतेगा। वैसे मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चौथे मैच में आपको किसकी बल्लेबाजी सबसे अच्छी लगी, किसकी गेंदबाजी सबसे अच्छी लगी और ऑस्ट्रेलिया की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इंग्लैंड के हर एक फैन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।